खेत पर काम करने वाला एक मजदूर गोपाल था जिसका नाम। कुसुमपुर के नदी के किनारे छोटा सा था उसका एक धाम। रोज की तरह उस दिन भी काम के बाद लौट रहा था अपने घर पे। अचानक ही उसकी नजर पड़ी रास्ते के किनारे पर। अरे ये क्या देख रहा हूँ, मोटी तगड़ी एक मुर्गी उलट पुलट कर खेल रही है। देखकर मुर्गी को उसने मन ही मन सोचा, पकड़ पाता इसको तो ले जाता अपने घर। अचानक से वो मुर्गी खुद ही आ गई उसके पास और आकर उससे बोली, पथिक भाई क्या उठा लोगी मुझे, दुख से कष्ट से कट रहे हैं, दिन भर कुछ खाया भी नहीं है। घर लौटकर मुर्गी को रखा बड़े जतन से, रात में कटोरी भरकर खाना लाकर बोला सोजा मुर्गी दाना खाकर। ये ले ज्वार चावल के टुकड़े, कटोरी भर के लाया हूँ तेरे लिए, अभी मैं जाता हूँ, कल फिर से आता हूँ, ठीक है। ये बोलकर गोपाल चला अपने घर पर। उसके बाद खा पी कर वो भी सो गया। अगले दिन भोर के वक्त मेघ के पीछे जैसे ही सूरज हंस कर उगे, वैसे ही ऊंची आवाज में बोल पड़ी गोपाल की वो मुर्गी। मुर्गी की आवाज सुनकर गोपाल की नींद ही टूट गई। उठकर गोपाल आया मुर्गी के पास, देखा कि वो तो अपने ही घर पर है बैठी। और कैसी हो तुम, कोई कष्ट तो नहीं है ना? अच्छी हूँ, सुखी हूँ, ये लो तुम्हारा उपहार। जैसे ही नजर गई मुर्गी के बगल में, गोपाल रह गया सकपका कर। ये क्या कांड है, ये तो सोने कांडा है, ये देखकर तो मेरी एक एक हड्डी हिल गई। रोशनी में घुमा फिरा कर देख रहा था बार बार। आनंद से खुश होकर गोपाल ने सोचा मन ही मन, आज से उसके सारे दुख हो गए दूर। ये सोच गोपाल खुशी मन से वापस लौट जाता है अपने कुटिया में। उस दिन से हर रोज सुबह मुर्गी देती थी एक सोने का अंडा। गोपाल का भी लालच बढ़ता ही जा रहा था। इसी लोभ के वश में आकर सोचा उसने मन में, ये मुर्गी भी अजीब है, एक से ज्यादा अंडे ही नहीं देती। आज जाऊंगा उसके पास, कहूंगा मुझे सारे अंडे चाहिए, सब अंडा मुझे दे दो, एक एक अंडा। जैसा सोचा वैसा ही किया, बिना सोचे बिगाड़ दिया काम। रात को दौड़ कर गया मुर्गी के पास, चिल्लाकर बोला, जितने भी अंडे तुम्हारे पेट के अंदर हैं, सब कल निकाल देना, याद से, वरना मैं तुम्हारा पेट काट कर सारे अंडे ले लूंगा। सुनकर गोपाल की बात मुर्गी कांप गई, कहां से आखिर कहां से लाएगी इतने सारे सोने के अंडे। डर के मारे गिर पड़ी वहीं पर मुर्गी बेचारी और दे नहीं पाई एक भी अंडा। अगले दिन भोर में सोने के अंडे की खोज में फिर आता है गोपाल मुर्गी के पास। जब नहीं दिखता एक भी सोने का अंडा, तब गोपाल गुस्से से हो जाता है एकदम आग बबूला। तेरी इतनी हिम्मत, कहा था ना मुझे अंडे चाहिए, रुक आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुर्गी के पास आता है, कुछ बिना सोचे समझे पेट काट देता है मुर्गी का और उसे मार देता है। इन सब के बाद अचानक ही गोपाल की अकल ठिकाने आती है। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया, इतना लालच ना करता तो एक एक अंडा रोज तो मिल ही जाता, अब मैं क्या करूं। ये कहकर गोपाल नाहक ही रोता रहा। हाय रे हाय, कैसी फूटी किस्मत है।